दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के सुभाष विहार में 12 मार्च को दोपहर को अगवा हुए 5 साल के मासूम को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के दादरी से महज 36 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है। कर्ज होने पर बदमाश ने मांगे थे बच्चे के परिवार से 20 लाख रुपए। पकड़ा गया बदमाश दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना भजनपुरा पुलिस ने महज 36 घंटे में ही 5 साल के मासूम को बदमाश के चंगुल से उस वक्त रिहा करा लिया जब बदमाश आसिफ सैफी बच्चे को लेकर उत्तर प्रदेश के दादरी से किसी और अन्य जगह भागने की फिराक में था। दिलसाद अपने परिवार के साथ थाना भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ले में रहता है और उनका परिवार मुस्तफाबाद में एक प्राइवेट स्कूल के साथ साथ एक मेडिकल स्टोर व डेयरी का कारोबार भी करते हैं। बच्चे के पिता दिलसाद ने बताया कि 12 मार्च की दोपहर उनका 5 साल का बच्चा घर के सामने से अचानक गायब हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो दिलसाद ने बच्चे की गुमशुदा होने की सूचना दिल्ली पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के कुछ समय बाद ही बच्चे के पिता के पास 20 लाख की फिरौती की कॉल आ गई। उसको सुनते ही दिलसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तत्काल यह सूचना दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ACP महेंद्र सिंह मीणा, भजनपुरा थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार नीमा के नेतृत्व में एक टीम गठित की और टीम ने अगवा हुए बच्चे की फिरौती की कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि फिरौती की कॉल उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके से आई है। तुरंत SHO भजनपुरा प्रशांत नीमा ने अपनी टीम के साथ दादरी में छापा मारकर आसिफ सैफी नाम के बदमाश को बच्चे सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक बात है, ये घर के बाहर खेल रहा था तो बस मेरे बगल में एक शॉप है, यहाँ से चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं, चॉकलेट लेने के लिए गए, वो शॉप बंद थी तो वहीं पे खेलने लगे। तो उसकी मम्मा ने देखा कि वहाँ खेल रहा है, घर से दो घर पास में ही है। फिर पावन बाद द्वार देखा तो ये वहाँ था नहीं, तो घर वालों को इन्फॉर्म करा कि बेटा वहाँ खेल रहा था, बेटा वहाँ नहीं है। तो फिर जैसे सबको पता लगा, फिर सब ने फिर जहाँ ढूंढा मोहल्ले में आसपास ढूंढा, गली में ढूंढा, और मतलब सबको इन्फॉर्म किया रिश्तेदारों को आसपास ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे नहीं मिला। करीब जब काफ़ी ढूंढने पर हमें नहीं मिला तो फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की। हमने पुलिस कंप्लेंट के बाद में फिर सर ने हमारे भजनपुरा थाना के स्टाफ ने हमारे सर यहाँ सर है DCP ऑफिसर ने हमारे वाले स्टाफ ने फिर उसको सर्च किया। फिर इसको बच्चों को टॉर्चर वगैरह नहीं किया है? नहीं, मैंने पहले से कभी नहीं देखा। अब उसने कागज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो मुझे नहीं पता, बराबर इन्फॉर्मेशन उसे है सर। डिमांड की सर ने 20 लाख रुपए की। वो अच्छा, उसका फोन आया, बोले कि आपका बेटा खोया है। मैंने कहा हाँ हमारे पास है, मिल जाएगा आपको, उसके 20 लाख रुपए देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात कराइए। मैंने उनसे बात कराई तो वो बोले कि ठीक है। मैंने बेटे से बात करी अपने, बेटा बोला हाँ बाबा। मैं कहाँ बेटा, कह रहा मैं अंकल के साथ हूँ। वो स्कूल से आया, गेट पर खड़े होकर अपने फादर का वेट कर रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति आता है और उसको 2:10 या 5 के आसपास ले जाता है उठा करके। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढ किया, नहीं मिलने के बाद हमने FIR रिपोर्ट थाने में सूचना दी। सूचना देने के बाद ACP DCP सब लोगों ने हमारे साथ अच्छा सहयोग किया। हमारी जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, उससे पहले हमारा बच्चा हमारे हवाले कर दिया गया। दिल्ली पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अजीत कुमार सिंगला ने बताया कि बदमाश आसिफ सैफी पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने BTech, MTech सहित दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था। आरोपी आसिफ ने किसी को 30,000 अपने किसी काम के लिए दिए थे, लेकिन उसका ना कोई काम हुआ और ना ही उसके पैसे वापस मिले। उन्हीं पैसे को वापस लेने के लिए सुभाष मोहल्ले में उस शख्स की तलाश में आया करता था, जिससे काफी देर तक बदमाश उस बच्चे के घर के आसपास उस शख्स की तलाश करने का इंतजार करता था। वहीं गली में खेल रहे 5 साल के बच्चे से उस बदमाश ने अपनी नजदीकियां बना ली और उस बच्चे के परिवार के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद पकड़े गए बदमाश ने बच्चे को अगवा करने की साजिश रच डाली। 4.5 लाख रुपए का उधारी था, वो लोग उसके पैसे मांग रहे थे, उसके चक्कर में ये यहाँ सुभाष बार में आया था, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन के चक्कर में। वहाँ इसकी नज़र इस बच्चे में पड़ी, बच्चे थोड़ा फ्रेंडली हो गया है, 3-4-5 दिन पहले की बात बता रहे हैं। तो उसने सोचा कि बच्चे घर के सामने खेल रहा था, घर ठीक ठाक था इनका, उसके मन में सोचा कि बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। 4-5 दिन पहले की बात है, बच्चे से उसका नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, घर के अंदर चला गया,
उसकी माता से उसका दिलशाद का नंबर ले आया, ये बोल गया कि मैं किसी हाजी का बेटा हूँ, उनसे मेरे बात करनी है। तो उसके बाद ये 3-4 दिन रखे कि इसने घर का शेड्यूल देखा कि फादर कब आता है, किस चीज़ पे आता है, बच्चा कब बाहर खेलता है। फिर परसों इसने 2:30 बजे किसी एक और बच्चे की मदद ली, उसके साथ मदद लेके बच्चे को थोड़ा दूर बुलाया और फिर इसको किडनैप करके वहाँ दादरी ले गए। वहाँ किसी बरातगा के पीछे खाली कमरे में रात में रखा इसने, बेडशीट वगैरह खरीदी, बच्चा बनान में था उसको टी शर्ट खरीद के दी इसने पहनने के लिए, फिर सुबह कॉल की। तो इस तरह इसका इरादा बच्चे के इवज में 20 लाख रुपए लेना था। अपने जिगर के टुकड़े को सही सलामत पाकर परिवार काफी खुश है। परिवार ने इस कामयाबी के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की तत्परता से आज उनका बच्चा सही सलामत उनके पास है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।